नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान के साथ। एमपी कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा। उन्होंने कहा कि एमपी कांग्रेस राम यात्रा निकालेगी। राम यात्रा के जरिए महंगाई बेरोजगारी की याद हम दिलाएंगे। भगवान राम के दर्शन करते हुए किसानों से वादों को याद दिलाएंगे। जो वादे किए गए थे उन वादों को याद दिलाएंगे। सरकार के वचनों को पूरा करवाने के लिए राम यात्रा निकाली जाएगी। राम का मंदिर बना, स्वागत सत्कार और खुशी है, लेकिन राम भक्त परेशान है। तो जीतू पटवारी का यह बयान ऐसे समय में बेहद अहम हो जाता है जब पूरा देश राममय हो चुका है। राम का मंदिर बना, स्वागत भी है, सत्कार भी है और खुशी भी है। ये कांग्रेस पार्टी ने अब नहीं कहा, ये हमेशा कहा कि कोर्ट के आदेश पे जो होगा वो स्वीकार्य है और वो हुआ उसकी खुशी है। जब कोर्ट ने आदेश किया था हमें मंदिर के ताले खुलवाने का, वो खुले थे। राम का मंदिर बना, राम यात्रा भी होगी, दर्शन भी होंगे, पर राम के भक्तों का क्या होगा? ये महंगाई सर चढ़ के बोल रही, इसका क्या होगा? राम यात्रा के जरिए याद दिलाएंगे, महंगाई कम करो। राम यात्रा के जरिए हर घर से एक बच्चा बेरोजगार है। ये सरकार को भगवान राम की दर्शन करते हुए याद दिलाएंगे कि इन बेरोजगारों का, बेरोजगार भक्तों का कुछ करो। तो कांग्रेस की राम यात्रा पर बीजेपी का तंज आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा और कहा कि दिग्विजय सिंह से पूछ ले उनकी क्या राय है, सोनिया और राहुल से ओके करा ले। प्राण प्रतिष्ठा में रुख पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र पूरे देश ने देखा है। तो वीडी शर्मा का ये तंज कांग्रेस के राम यात्रा के बयान पर। दिग्विजय सिंह से तो पूछ ले पहले, वो तो कमलनाथ जी तो गए तो वो भी, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी से पूछना चाहिए पहले उनको। ये कमिट कर लें कि सोनिया जी राहुल जी ने ओके किया है कि नहीं किया है, नहीं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था, तो तब कहाँ गए थे वो? तो ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए हैं ना तो सोचना चाहिए कि दोहरा चरित्र तो न रखें। पहले उनकी पार्टी की नीतियां क्या हैं, उनकी पार्टी चाहती क्या है, तब आगे बढ़ो। दोहरा चरित्र तो मध्य प्रदेश की जनता ने क्या देश ने देखा है और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। और अब खबर ग्वालियर से, जहां अमित शाह के दौरे से पहले कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है। ग्वालियर ग्रामीण के कई सरपंच बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता इन्हें दिलाई है। तो लगातार ज्वाइनिंग अभियान एक तरफ जारी है और एक तरफ जो कांग्रेस के सरपंच है, पार्षद है, जिला पंचायत है, वो बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा की तस्वीर आप देखिए उस वक्त की जब उन्होंने इन तमाम चेहरों को बीजेपी में सदस्यता दिलाई। राजस्थान के पुष्कर में बेटे की शादी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जमकर डांस किया। बारात निकासी के बाद ढोल नगाड़े और डीजे के साथ रिजॉर्ट परिसर में ही बारात निकाली गई, जिसमें सीएम के अलावा परिवार के सदस्य और दूल्हे के दोस्त भी शामिल हुए। तो ये देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का अनोखा अंदाज, अपने बेटे की शादी में खूब जमकर वो थिरके हैं। पुष्कर में सीएम के बेटे की शादी हुई है और ऐसे वक्त में बारात में मोहन यादव ने भी डांस किया। बेटे की शादी में पूरा परिवार खुश और साथ ही कई ऐसे दोस्त भी थे मोहन यादव के बेटे के और मोहन यादव के भी, जो इस शादी समारोह में शामिल हुए।
और अब खबर मुरैना की, जहां अतिक्रमण पर एक्शन लगातार जारी है। आलापुर की मुख्य सड़क से अवैध निर्माण हटा दिया गया है। करीब 24 मकानों पर बुलडोजर चला। जौरा कस्बे की आलापुर पंचायत में कार्रवाई की गई है। पुलिस और जौरा नगर पालिका की ये कार्रवाई देखने को मिली। और फिर यहां से अतिक्रमण पर, क्योंकि लगातार एक तरफ कार्रवाई जारी है, पुलिस और जौरा नगर पालिका ने मिलकर कार्रवाई की। अतिक्रमण पर मुरैना में एक्शन देखने को मिला। अलापुर की मुख्य सड़क पर अतिक्रमण किया गया था, लेकिन उसे भी अब हटा दिया गया है। अवैध तरीके से निर्माण यहां पर कराए जा रहे थे, उन्हें भी हटाया गया। 24 मकानों पर बुलडोजर चला है और ये कार्रवाई जौरा कस्बे की आलापुर पंचायत में हुई है। तो भी नहीं है।